तो भाई साहब मोदी जी मंच से तमाम लोगों को संबोधन कर रहे हैं, पूर्वांचल के लोगों को एक बड़ा सौगात दे रहे हैं। तिवारी जी जो है मोदी जी को उठा के लेके जा रहे हैं और गुप्ता जी योगी जी को उठा के लेके जा रहे हैं। पहले ही बताइए तिवारी जी एकदम धाकड़ मूछ रखे हैं, काहे मोदी जी को उठा के लेके जा रहे हैं? अरे भाई सारा कुछ इन्हीं से होना है भारत का विकास, और पूरे विश्व में एक नंबर यही करेंगे, इसलिए इनको बिल्कुल याददाश्त फिट रहे, रोज इनका दर्शन हो ताकि इनकी विकास की क्षमता खो पड़े और उसी तरह से मैं भी विकास करूं। तो कहां लेकर जाएंगे इनको? इनको मैं ले जा रहा हूं अपने विधानसभा क्षेत्र कैंपियरगंज। अच्छा, विधानसभा क्षेत्र कैंपियरगंज में कार्यक्रम खत्म हो जाता तब जाते हैं, अभी तो भाषण दे रहे हैं, अभी उठा के लेकर जाएंगे। अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, अभी मैं इनको इसलिए सुरक्षित कर लिया कि यहाँ पे तमाम विरोधी पार्टियों के लोग हैं। अच्छा। वो भी लोग लेकर के भाग रहे हैं। डर भी है क्या? डर भी है क्या? जी, माँ जी। ये बताइए तो आपको डर लग रहा है कि विरोधी मानसिकता के लोग लेकर भाग जाएंगे? विरोधी मानसिकता के लोग भाग नहीं जाएंगे। विरोधी मानसिकता के लोग इस समय बुलबुला की तरह से ऊपर आ गए हैं। तो 2022 में क्या होगा? 2022 में मोदी होगा, जोगी होगा। और अखिलेश कह रहे हैं कि धुआं उड़ा देंगे। धुआं नहीं, वहाँ धूल भी नहीं उड़ा पाएंगे, धूल भी नहीं उड़ेगी। तो कह रहे हैं साइकिल में गियर लगवा दिए हैं, चाप के भागेगा। ये बताइए तिवारी जी, मोदी जी ने इतना बड़ा झूठा नेता, इधर आ जाइए, आज तक कोई नहीं होगा। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने घोषणा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, केवल 500 करोड़ रुपया वो भी भूमि विकास बैंक का माफ किए, और योगी जी ने 33,000 करोड़ रुपया माफ किया। राहुल बाबा कहते हैं कि मोदी जी झूठा है। राहुल बाबा का स्वभाव तो जग जाहिर है, वो तो स्वयं हंसी के पात्र हैं, तो क्या उन पर टिप्पणी करेंगे। तिवारी जी 2022 में क्या होने वाला बता दीजिए। 2022 में बस बिल्कुल 28 सीट बचाया गया है कि वो लोग भी थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, भेली की तरह बांट करके खा लेंगे। 400 सीट मेरा है। अच्छा, आप कह रहे हैं 400, अखिलेश कह रहे हैं 400, हम लेके घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। वो घूम नहीं रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं कि ऐसे मैं बोलूंगा तो जनता मेरे पक्ष में आएगी। वो झूठे बोल रहे हैं। अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर मेरे पास आ गया, बहुत मजबूत हो गए हैं। कुछ नहीं, कोई मजबूती उनकी नहीं है, कहने के लिए है, कुछ रह नहीं गया उनके पास। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा विकास की। आज पूर्वांचल के लिए, गोरखपुर के लिए कहीं न कहीं एक बड़ा दिन है, एक बड़ा सौगात मिला है। फर्टिलाइजर का उद्घाटन हो रहा है, एम्स का उद्घाटन हो रहा है, तो हमको आप ये बता दीजिए पूर्वांचल के किसानों के लिए कितना बेहतर हो सकता है? किसान पूर्वांचल के किसानों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। जो किसान 600, 400, 500 में यूरिया लेता था, आज उसको 226 रुपए में यूरिया प्राप्त होगा। और यही नहीं, कई प्रदेशों को यहाँ से भेजा जाएगा, उस कई प्रदेशों का लाभ होगा। अच्छा, ये बताइए अगर आपसे मोदी जी मिले तो आपकी दिली इच्छा क्या होगी? मोदी जी से क्या और उम्मीद करते हैं? मोदी जी से उम्मीद यही करेंगे कि ये खाद फर्टिलाइजर जो है ये सुचारू रूप से चले और इसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। अच्छा, दुनिया पर योगी पूरे भारत पर राज करेंगे। योगी जी ही प्रधानमंत्री है, अगले प्रधानमंत्री योगी जी है, माननीय योगी जी। योगी जी प्रधानमंत्री बनाएंगे 2026 में, माननीय योगी जी प्रधानमंत्री बन के रहेंगे। अच्छा जी, तो ये बताइए अभी सपा वाले और कांग्रेस वाले बसपा वाला कहेंगे देखिए मोदी जी का स्टैचू लेके भाग रहे हैं तिवारी जी। भाग नहीं रहे हैं, मैं हमेशा इनको बधाई देने को साबित करने के लिए ले जा रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस में इनको लगाऊंगा। अच्छा जी, कहाँ कराने वाले हैं तिवारी? ग्राम सोरौरा बुजुर्ग विधानसभा क्षेत्र कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर। तो मोदी जी के तगड़े वाले एकदम फैन फॉलोवर है? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कहीं कोई दोरा नहीं है। लखनऊ से चल के आया। अच्छा, लखनऊ से आया। जो आप कहे पार्टियां एक हो रही हैं, तो एक कहावत है, सौगो सिरवा के एगो सिरवा के सौगो सियार का करी। अच्छा। योगी मोदी सर शेर है, ये सब साले चोर। तो चलिए देखिए
एकदम अलग अलग तरीके के लोग मिल रहे हैं, एकदम अलग अलग एनर्जी है, जोश है। तिवारी जी मुझे लग रहा है कि एकदम 20-22 किलो का तो होंगे मोदी जी इस वेट की बात करते हैं। हाँ तो ये बड़ी क्षमता है जो भैया ये कम से कम कहते हैं एक नेता के प्रति एक कार्यकर्ता का लगाव इसको बोल सकते हैं। और तभी जो लेके जा रहे हैं देखिए पसीना पसीना हो गए, अभी भी टांगे हुए हैं। अच्छा बताइए अगर फटा हुआ बदल जाए अखिलेश का हो जाए तब क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं है, अच्छा बदल जाएगा, कहीं नहीं बदलेगा। नहीं नहीं कितना मजा आया है मोदी जी से मिलकर, जचिन मोदी जी से आज मिलकर उनके भाषण को सुन के कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा वो अभी अभी भाषण दे भी रहे हैं। हाँ। लेकिन हम लोग जो है उनके भाषण को सुन करके बहुत ही प्रसन्नता हुई है। काम आप गलत कर रहे हैं, बताइए। पहले ही आप अपने नेता के इतने बड़े फैन हैं, इतने बड़े दीवाने हैं, अभी वो भाषण दे रहे हैं आप जा रहे हैं? नहीं तो जा कह रहे हैं। हाँ। अभी तो हम इसी मैदान में ही हैं। अच्छा। लेकिन मैं सुरक्षित किया हूँ। अच्छा, अच्छा। ताकि हमको भी मिल जाए। हाँ। मोदी जी का एक फोटो। तिवारी जी जो मुलाकात हुई है गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं, और भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आज की बात करें तो पूर्वांचल के लिए ऐतिहासिक दिन, फर्टिलाइजर का उद्घाटन, एम्स का उद्घाटन, और आज से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी हो रहा है।